आप जो लोग वोटकटुआ बन के आए हैं, आपके आज आकर के हदीस और कुरान की बात करते हैं, किसी ने समझा दिया वो भी बोलना नहीं आ रहा है। हमको कोई समझाएगा? चल बनाओ, ये रोड बनाओ, वो बनाओ, वो ना हाथ उठा के मदद कीजिएगा ना भाई, जिताइएगा ना, भाजपा को हराइएगा ना, भाजपा के बी टीम के झांसे में नहीं नहाना है। अगर आप तेजस्वी जी नौकरी दिए तो जात पात देख करके नहीं नौकरी दिए कि तुम किस बिरादरी के हो, किस तुम जात के हो, नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने सीधा नौकरी दिया, सबको दिया, सब लोगों को नौकरी दी। तो पूरी दुनिया में चर्चा है बिहार की तेजस्वी यादव जो 17 साल में कोई नहीं कर सकता। अभी का जो वोट है इसको सोचिएगा, समझिएगा, वक्त है आपके साथ, हिम्मत और उसके साथ वोट कीजिएगा। बिहार को बचाने का ये वोट है और इंसानियत को बचाने का वोट है। इंसानियत सिसक रही है। आज भाजपा चाहता है कि बिहार जीते, उसका सपना है उसका बंगाल जीते, क्योंकि ये दोनों जीत गया तो उसके बाद CA NRC लागू करना इसको आसान होगा। यहाँ के जो विकास का मामला है जी, विश्वनाथ यादव को लेके मैं इसी जगह आऊंगा और जो आपके विकास का काम है वो करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं अपने फंड से करूंगा, मेरे पास भी अधिकार। कैलागंज के ही भविष्य का चुनाव नहीं है बल्कि बिहार के भविष्य का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। ये जो जिलानी भाई आ जाए, ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव जो 4 विधानसभा में हो रहा है, ये 4ों विधानसभा चुनाव में NDA हारेगी तो बिहार और केंद्र की सरकार भी चली जाएगी। मैं आपको वादा करने जा रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये मामूली बात नहीं है, पूरे देश की निगाह है। और बेलागंज के लोग तो बहुत ही समझदार हैं, ये नली गली का चुनाव नहीं है। बहुत सारे शिकायतें होंगी आपको और होनी चाहिए, जहां दर्द है वहां इश्क है, जहां इश्क है वहां दर्द है। आपको अगर सुरेंद्र यादव जी से या विश्वनाथ यादव से शिकायतें हैं, इसका मतलब है कि आपको उनसे प्यार है, आप उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास शिकायत है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर की इंसानियत जिंदा है, अगर आपको शिकायत नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए क्या हालत बना के रख दिया है बिहार का। आज गिरिराज सिंह जैसा लोग, प्रदीप सिंह जैसा लोगों की हिम्मत है कि पूरे बिहार में घूम करके एक विशेष समुदाय को गाली दे रहा है, उसको मारने के लिए कह रहा है कि 100-100 थप्पड़ मारो। लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन में किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसे बोलने की। प्रवीण तोगाड़िया जब एयरपोर्ट पे आया था तो उसके एयरपोर्ट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई, उसको उल्टे पैर वापस जाना पड़ा। एडवाणी बिहार में रथ लेके आए, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। आज अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि इस तरह से घूम घूम के किसी विशेष समुदाय को कोई समुदाय गाली देता, ऐसा संभव नहीं था। ये तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने ईंट से ईंट बजाने के उन्होंने कहा कि अगर अकलियत समाज के ऊपर अगर आपने टेढ़ी निगाह देखने की कोशिश की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने अपने वोट की परवाह नहीं की। इसमें CA लागू करने की बात होती है, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती है। NRC लागू करने की बात होती है, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती है। वक्त मिला करके पूरे देश के मुसलमानों के वक्त की जमीन को हड़पने की साजिश होती है, तुम्हारी एक आवाज नहीं निकलती है। जब केंद्र में भाजपा हार रही होती है, आपकी मेहनत से पूरे देश के सेकुलर आवाम, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर उसके नीति को समझा और उसको हराने के लिए वोट किया, जब पता चल गया भाजपा को कि मैं हार रहा हूं, तब जाके उससे फिर प्रशांत किशोर को आगे किया। और प्रशांत किशोर 3 फेज के बाद आके कहता है कि नरेंद्र मोदी तो 400 से ज्यादा सीट ला रहे हैं। जो बिहार के और देश के भोले भाले लोग हैं, जो 10-20% फ्लोटिंग वोट होता है, उसको लगा कि जब प्रशांत किशोर कह रहा है इसका मतलब कि यही जीत रहा है, इसको हम वोट दे दें। आप समझो, इसने भाजपा को जिताने का काम किया है। इसको आप बताइए, प्रशांत किशोर जैसे आप पूछिए कि आप दर्जनों बार मुसलमान का सम्मेलन बिहार में घूम घूम के कर चुके हैं और आपकी बात लालू यादव से शुरू होती है, तेजस्वी यादव पे खत्म होती है, न मोदी की तरफ जाती है, न अमित शाह की तरफ जाती है, न किसी और की तरफ जाती है, हल्का फल्का छटका पटका दे करके लालू जी से शुरू करके तेजस्वी पे खत्म करते हो, क्या बात है? जरा पूछो उनसे कि आपने कभी बिहार में अन्य जातियों का, बिरादरियों का सम्मेलन बुलाया है? आपने दलितों का बुलाया है, पिछड़ों का बुलाया है, अपने सवर्ण समाज का बुलाया है, वैश्य समाज का बुलाया है? नहीं बुलाया है, क्योंकि आपको वो एक वोट नहीं देने वाला है। आपको भेजा गया है जिस काम के लिए, आपको भेजा गया है सिर्फ मुसलमानों के वोट को बर्बाद करने के लिए। विश्वनाथ यादव MLA बनेगा तो आपको एक पर एक फ्री मिलेगा, एक विश्वनाथ यादव, उसके साथ कारी सोहेब MLC के तौर पर आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करेगा। मैं चुनाव के बाद फिर आऊंगा, आपके MLA को जिता के लेके आऊंगा इसी जगह पर,
इस इलाके की जो भी समस्या है उस समस्या को निदान मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। इसलिए आपको यह समझना होगा, एक बात बताओ, आपको जब पैसा अल्लाह देता है तो आप उस पैसे को नाजायज खर्च नहीं कर सकते, आप उस पैसे को देखते हो कि जायज खर्च होना चाहिए। नाजायज खर्च करोगे तो डरते हो कि अल्लाह को बुरा लगेगा, इसलिए नाजायज खर्च नहीं कर सकते हैं। जब आप पैसा नाजायज खर्च नहीं कर सकते हो तो उससे कई गुना ज्यादा कीमती आपका वोट है, उसको नाजायज बर्बाद होने कैसे छोड़ दोगे आप? आप नाजायज बर्बाद होने दोगे, उसको नाजायज जाने दोगे? आप ये सोचो, आप जब कोई फकीर आता है, जब आप कोई मदरसे का लोग आता है आपसे चंदा मांगने, कोई मस्जिद का लोग आता है चंदा मांगने, तो आप पता करते हो, आप देखते हो कि वाकई ये फकीर हकदार है कि नहीं है, वाकई ये जो मदरसे का लोग हकदार है कि ये फर्जी मदरसा चला रहा है, ये फर्जी चंदा मस्जिद के लिए मांग रहा है कि वाकई मस्जिद बन रही है। तो आप जब दो चार दस सौ पचास हजार पांच सौ देने के लिए जब आप ये पता करते हो कि मदरसा फर्जी है कि सही है, ये मस्जिद का चंदा मांगने वाला फर्जी है कि सही है, ये फकीर फर्जी है कि सही है, तो फिर आप अपने वोट को देने के लिए ये पता करोगे कि नहीं करोगे कि फर्जी है कि सही है? बताओ, ये पता करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? अरे बोलिए, करोगे ना? तो फिर तो क्या पता करेंगे? फर्जी लोगों को पहचानेंगे? फर्जी लोगों को देखेंगे? अपने वोट होने को बर्बाद, अपने वोट को बर्बाद होने देंगे क्या? नहीं ना। तो इसी तरह से सुरेंद्र यादव जी हो या विश्वनाथ यादव जी हो, आप लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हमेशा आप लोगों ने उनका साथ दिया है, तो शिकायत किससे कीजिएगा? उन्हीं से कीजिएगा। और करना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर की इंसानियत जिंदा है, अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका मोहब्बत बरकरार है, अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर का इंसानियत भी मर गया है, आपकी मोहब्बत भी बरकरार नहीं है, उसमें कमी आ रही है। शिकायत खूब कीजिए, लेकिन वोटवा इधर उधर नहीं दीजिए, क्योंकि वोट जो है वो आपकी ही तकदीर नहीं, बिहार की तकदीर बनाने का वोट होगा। ये जो उपचुनाव होगा ये तय करेगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। नली गली तो बन जाएगी, किसी तरह से बन जाएगी, ये नहीं बनाएगा तो आपका भाई तैयार है, आपका भाई किसी का मोहताज नहीं है, मैं अपने कलम से बना सकता हूं, मेरे पास वो पावर है, चल बनाओ बनाओ, ये रोड बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, धड़ाधड़ बनाओ, खटाखट फटाफट बनाओ, सब बनेगा। अब मैं ऐसे बोल के नहीं जा रहा, मैं मस्जिद के सामने कह रहा हूं, मैं मगरिब की नमाज पढ़ के निकला हूं, अब मैं मस्जिद के सामने वादा कर रहा हूं कि आप जिताइए, जिताने के बाद मैं उम्मीदवार को लेके आऊंगा, तुम करो नहीं तो मैं करूंगा, करना तो होगा। इसलिए कोई फर्जी बात नहीं, जो लोग भी आते हैं इधर उधर के लफ्जी जाल में फंसाने जाएंगे तो इस बात का यकीन करेंगे, इस बात का आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपका वोट पानी में नहीं जा रहा हो। कोई आदमी आएगा दस पांच हजार वोट काट के चला जाएगा, उससे क्या मिल जाएगा आपको? आप किसी को हराने के लिए वोट मत करो, आप खुद को जिताने के लिए वोट करो, खुद को जिताने के लिए। आपकी जीत कब होगी? जब वक्त बिल लाने वाले की हार होगी आपकी जीत होगी, जब तीन तलाक बिल लाने वाले की हार होगी आपकी जीत होगी, जब आपके यहां सीएएनआरसी को लागू करने वाले